देश में 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर जनता को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। दूसरी ओर सरकार पर भी अच्छे बजट पेश करने का लोड है। कारण कुछ खास नहीं लेकिन राजनीतिक है। हर राज्य की सरकार चाहती है कि उन्हें बेहतर बजट मिले, लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। केंद्र पर गठबंधन की सरकार चलाने का जो दबाव है वो बजट सत्र शुरू होने से पहले अभी से दिखाई देने लगा है, खासतौर पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का। इन दोनों पार्टियों के नेता भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए पहले तो चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखी थी। इसके बाद नीतीश कुमार भी कहां पीछे रहेंगे। सो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश भी केंद्र सरकार के सामने बिहार के विकास के लिए भारी भरकम बजट की मांग कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों राज्यों ने अपने लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड की है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से साउथ को साधने के लिए केंद्र सरकार तमिलनाडु पर मेहरबान हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात महज 20 मिनट की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश में आगामी विकास कार्यों का हवाला देते हुए भारी भरकम बजट की मांग की थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश पर मौजूद करीब 13,00,000 करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया था और साथ ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए मोदी सरकार से कुछ बजट की मांग की थी। चंद्रबाबू इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा खासा फंड मांगा था। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्होंने कृषि के लिए और सिंचाई के लिए भी बजट मांगा। लेकिन इसी बीच बिहार को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार को इस समय 9 हवाई अड्डों की जरूरत है। इसके अलावा 2 बिजली परियोजनाओं, 2 नदी जल परियोजनाओं और 7 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बजट मांगा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों राज्य ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए दिए जाने वाले बिना शर्त दीर्घकालिक ऋण को लगभग 2 गुना करके 1,00,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। जाहिर है कि इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि बजट में किसी भी राज्य को न छोड़ सकते हैं और न ही असंतुष्ट कर सकते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को बनाए रखने के लिए बीजेपी के लिए टीडीपी और जेडीयू दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। ऐसे में दोनों को नाराज करना केंद्र के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले पेश हुए अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने जीडीपी के 5.1% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा। 6 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगे। रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश ने मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि में 480 बिलियन रुपए की मांग की है। कुल मिलाकर सरकार पर राज्यों को संतुष्ट करने का दबाव है, साथ ही आम आदमी भी इस बार सरकार से बेहतर बजट की उम्मीद लगाए बैठा है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से बजट पेश करती है, किस राज्य को किस तरीके का बजट देती है और आम आदमी पार्टी के लिए इस वित्त वर्ष में क्या कुछ नई योजनाएं सरकार पेश करती है।